वाई एन एक्स y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार एक्स ऑन वाई एक्स माइनस एक्स बार एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। यहां देखिए जरा, ये जो बी वाई एक्स है हमने कल आपसे कहा था कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन, यहां से कुछ प्रॉपर्टी बना दें, जैसे वाई माइनस वाई बार इक्वल टू आर टाइम सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स और एक्स माइनस एक्स बार, एक ही मतलब होता है। ये देखिए जरा, बी वाई एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर टाइम सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और यहां पर x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर टाइम सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई वाई माइनस वाई बार। अब देखिए एक प्रॉपर्टी यहां से हम आपको बता रहे हैं, y माइनस वाई बार ये इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन है, कब, जब y ऑन x, ये कब है y ऑन x और ये है x ऑन y ऑन x में बी वाई एक्स क्या था, कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन। तो कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन ये, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन ये हो गया। तो एक प्रॉपर्टी कहती है कि कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन मतलब कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज द जिमेट्रिक मीन ऑफ कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन। ये देखिए जरा प्रॉपर्टी यहां पर, शो करना है सो दैट कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज जिमेट्रिक मीन ऑफ कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन। कहता है कि जो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर दो नंबर आपके पास ए और बी हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, ऐसा आप पढ़ चुके हो ना। तो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आर होता है, आपको बता चुके हैं कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आर, वो कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन का जिमेट्रिक मीन है। इसका मतलब हमें क्या शो करना है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, आर इक्वल टू अंडर रूट, कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन क्या है, कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन बी वाई एक्स, ये कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन, ये y on x कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन x on y। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि r टाइम्स सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इक्वल किसके है, बी वाई एक्स के, बोलो, यानी y on x के, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये इक्वल किसके है, इसके है ना, एंड आर टाइम सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई किसके है,
डी एक्स वाई के, इतनी बात समझ में आ रही, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इक्वल किसके, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई के। यहां से सिग्मा एक्स ए कैंसिल, आर इंटू आर, आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो आर इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इससे क्या निकल करके आया, आर क्या था, आर क्या था, तो और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है, कोफिशियंट ऑफ, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीन हुआ के इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ए और बी कोई दो नंबर हैं आपके पास, उसका ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये फार्मूला। आर क्या है, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, और बी वाई एक्स है आपका कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, बी एक्स वाई है कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। इसका मतलब आर इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो यहां से ये बात शो हो रही है कि कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव के पेपर में बहुत बार पूछा गया, आपके उसमें भी कई बार पूछा गया कि कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग चार ऑप्शन, तो आपको इस तरीके से बताना है। तो यहां से एक बात और क्लियर लग गई, पता लग गई कि बी वाई एक्स को हम ये भी कहते हैं और बी एक्स वाई को ये कहते हैं। नोट करिए, वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई, चलिए प्रॉपर्टी इसकी दूसरी देखिए, यह प्रॉपर्टी एक हो गई आपकी, प्रॉपर्टी नंबर दो को देखिए। पहली प्रॉपर्टी हो गई कि कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन। आपको हमने कहा था कि जो कोरिलेशन आर एक्स वाई जो होता है वो आर वाई एक्स के इक्वल होता है, बात याद आ रही है।
मैंने कहा था कि कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन जो वाई ऑन एक्स है या एक्स ऑन वाई है, ये आपस में सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक समझते हैं? तो बेटा आर एक्स वाई और आर वाई एक्स ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन साथ में ये भी आपसे कहा था कि वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन एक्स ऑन वाई के इक्वल नहीं होता है, ये बात याद आ रही होगी। मैंने कहा था कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन जो होते हैं ये आपस में इक्वालिटी को नहीं शो करते, लेकिन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन करते हैं। इसमें एक बड़ी सिमिलरिटी होती है तीनों के बीच में कि कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन हैव द सेम साइन, ये तीनों में सिमिलरिटी होती है। अगर हमारा कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव है तो कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों निगेटिव होंगे। ये जरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई का कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन और आर एक्स वाई मतलब कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, इनमें एक ही ये सिमिलरिटी होती है कि अगर आर पॉजिटिव है तो फिर दोनों पॉजिटिव है, आर निगेटिव है तो दोनों निगेटिव है। तो दूसरी प्रॉपर्टी कि बोथ कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन, बोथ से मतलब आप समझ रहे हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, बोथ कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन एंड आर, आर क्या है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, हैव द सेम साइन, हैव द सेम साइन, ये एक प्रॉपर्टी इनकी होती है, नोट करिए, हैव द सेम साइन बोथ कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन एंड आर, आर माने कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, हैव द सेम साइन। यहां पर आप समझ गए कि हम क्या आपसे कह रहे हैं, दैट इज आर एक्स वाई बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, आर एक्स वाई बी वाई एक्स बी एक्स वाई, ये तीनों का सेम साइन होगा, ये बात आपसे कह रहे हैं। पर ये आर है, ये आर, अब सेम साइन। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन, अगर कोई एक कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो अदर कोफिशियंट मस्ट बी लेस देन वन। हम दो कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन देख रहे हैं ना, हम कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन दो यहां पढ़ रहे हैं, वाई ऑन एक्स एक एक्स ऑन वाई। If one of the coefficient of regression greater than one, then other must be less than one. Objective में ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत important है, एक सवाल लगाने से कहीं ज्यादा ये सब चीजें important है जो हमसे पूछी जाती हैं। तो तीसरी property लिख दीजिए, if one of the regression coefficient
इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशियंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशियंट ग्रेटर देन यूनिटी माने वन अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी. If one of the regression coefficient is greater than unity, other must be less than unity. बात समझ में आ गई होगी. अगर हमारा byx greater than one है तो जो byy होगा वो less than one होगा. ये तुम्हें प्रॉपर्टी सारी याद रखना है. नेक्स्ट, हमने आपसे ये भी बात बताई थी, मीन मीडियन मोड में भी बताया था कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है. फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, रिग्रेशन कोफिशियंट रिग्रेशन कोफिशियंट आर चेंज इन ओरिजिन बट नॉट इन स्केल. रिग्रेशन कोफिशियंट आर चेंज इन ओरिजिन नॉट इन स्केल. रिग्रेशन कोफिशियंट आर चेंज इन ओरिजिन बट नॉट इन स्केल. चेंज इन ओरिजिन क्या मतलब बताया था इसका? चेंज इन ओरिजिन का क्या मतलब बताया था? कि कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें. ऐसा करने से ओरिजिन चेंज हो रहा है बट स्केल में चेंज नहीं हो रहा है. जबकि मीन मीडियन मोड में आपने देखा था दोनों में चेंज हो रहा था. कोरिलेशन में दोनों में नहीं चेंज होता है. प्रॉपर्टी नंबर फाइव, द मॉडुलस वैल्यू. प्रॉपर्टी नंबर फाइव, द मॉडुलस वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक मीन, द मॉडुलस वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशियंट द मॉडुलस वैल्यू ऑफ the arithmetic mean of regression coefficient is not less than the modulus value of correlation coefficient is not less than the modulus
वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशियंट आर, इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्टी नंबर 5, द मॉडुलस वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन कह रहा, तो कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन का अरिथमेटिक मीन ले लीजिए, कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन का अर्थमेटिक मीन ले लीजिए और फिर उसकी मॉडुलस वैल्यू ले लीजिए, तो कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स यानी बी वाई एक्स अरिथमेटिक मीन ले रहे, बी एक्स वाई अरिथमेटिक मीन दोनों का डिवाइड बाय 2 का मॉडुलस नॉट लेस देन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, और कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन तुम्हारा आर होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर होती है। ये 5 प्रॉपर्टी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन है, उसका ये अरिथमेटिक मीन है, जैसे ए और बी का अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2, ऐसे y ऑन x और x ऑन y, ये 2 कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन है, इनका आपने अरिथमेटिक मीन लिया, उसकी मॉडुलस वैल्यू ली, तो ये वैल्यू आपके कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन के मॉडुलस से बड़ी होती है। इसका मतलब बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई होल बाई 2 का मॉड ले लिया जाए तो ग्रेटर देन मॉड ऑफ r होता है। आप कहेंगे ये सवाल तो हमने इसके बहुत सारे नहीं लगा रहे, ये कौन सी प्रॉपर्टी? भैया अगर आप पेपर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखिए तो आपको इन्हीं पर क्वेश्चन बना हुआ मिलता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हमने 5 प्रॉपर्टी इसकी कोफिशियंट ऑफ मतलब रिग्रेशन लाइंस में या रिग्रेशन की हमने 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर देख ली, और ये बात अभी याद भी बनी रहेगी कि कहाँ पर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव पेपर्स में करिएगा। नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं यहां पर, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ रिग्रेशन, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ रिग्रेशन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, ऐसे लिखेगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, अगर थीटा यहां पर एंगल मान लिया जाए तो फार्मूला लिखिए टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ आर सिग्मा एक्स, अभी लिखिएगा नहीं, सिग्मा वाई सिग्मा स्क्वायर एक्स टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ आर इंटू सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होल अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऑफ वाई। ये टेन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला नोट कर लीजिए, एंगल है ये बिटवीन टू एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन,
इसको कह सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। ओके, अब आप इसके एक दो क्वेश्चंस कर लीजिए किस तरीके से, और इसके बाद अब इसको फिनिश कर दीजिएगा, आगे इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करिए। अच्छा, इस एंगल पे ही दो बातें और जरा नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट इसके बाद लिखिए, इफ आर इक्वल टू जीरो, इफ आर इक्वल टू जीरो एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, इसका मतलब क्या, दैट इज इफ टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, इफ टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड देन लाइन ऑफ रिग्रेशन are perpendicular to each other, line of regression are perpendicular to each other, r की वैल्यू जीरो हो जाए और tan थीटा में थीटा 90 हो जाए, तो इस केस पर जो रिग्रेशन लाइन्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर तो समझते हैं ना, स्लोप जो होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। नंबर दो, इसी का दूसरा पॉइंट, इफ r इक्वल टू ±1 देन थीटा इक्वल टू जीरो, इफ आर इक्वल टू ±1 देन थीटा इक्वल टू जीरो आर पाई। इन दिस केस, इन द केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन, इन द केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन कामा पॉजिटिव आर निगेटिव द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कंसाइड, टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कंसाइड। अब देखिए क्वेश्चन इसका हम रिग्रेशन ऑफ लाइंस का करते हैं, बड़ा होगा सवाल, उतना ज्यादा नहीं करना है आपको कि बहुत ज्यादा उसके क्वेश्चंस करने, एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब आपने पढ़ा इसको पूरा डिटेल में तो कुछ करना भी आना चाहिए इसके क्वेश्चंस को भी। लिखिए एक डेटा क्वेश्चन लिखे, द इक्वेशन ऑफ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन ऑन द इक्वेशन of the line of regression on the basis of following data, on the basis of the following data, x का data लिखिए,
एक्स पे डेटा लिखिए 4 2 3 4 2, वाई का डेटा लिखिए 2 3 2 4 4, एक्स में लिखिए 4 2 3 4 2, वाई पे लिखिए 2 3 2 4 4. लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना, देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा सवाल दिख रहा है, आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा. यहां पर एक्स और वाई का डेटा दे दिया, आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन अगर निकालना है वाई ऑन एक्स, तो इसके लिए आपके पास फार्मूला वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार. अब देखिए ध्यान से, आपको यहां पर एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी, इसका मीन निकाल लेंगे, वाई बार की वैल्यू मीन से वाई के मीन निकाल लेंगे, फिर जरूरत आपको बी वाई एक्स की पड़ेगी. बी वाई एक्स के लिए कल फार्मूला आपको लिखवाया था कि बी वाई एक्स इक्वल टू एन टाइम सिग्मा एक्स वाई, ये लिखा था आपने, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल अपॉन, फिर उससे एन टाइम्स जो फार्मूला था सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से बी एक्स वाई. आपको करना यह है कि दो तीन बातें केवल इसमें हमें बता दीजिए, आप बहुत बड़ा सवाल मत करिए, आप पहले मीन बता दीजिए दोनों का और बी वाई एक्स की वैल्यू बता दीजिए. फिर जब ये सारी वैल्यू मेरे पास, ये एक्स बार वाई बार क्या होता है, जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, जो जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही एक्स बार वाई बार होता है. दो रिग्रेशन लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा. अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा एक्स बार वाई बार होता है. ठीक है, आप कर ये बताइए एक एक करके वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू बताइए, वाई बार बताइए, बी वाई एक्स बताइए और बी एक्स वाई बताइए, बी वाई एक्स बताइए और बी एक्स वाई बताइए, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इन दोनों की वैल्यू बता दीजिए, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंट डेवलप करेगा. बी वाई एक्स की वैल्यू बता दीजिए और बी एक्स वाई की वैल्यू बता दीजिए. VYX फार्मूला, एन टाइम सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल अपॉन एन टाइम सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. VYX और VXY की वैल्यू बता दीजिए सभी लोग निकाल करके.
आपको पता है किस तरीके से वैल्यू हमें निकालना है, आप लोग सभी जानते हो। एक्स का हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, वाई की वैल्यू, एक्स इंटू वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू, यहां से करके सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा वाई की वैल्यू, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू, सारी वैल्यू यहां से निकल आएंगे। तो बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स का कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन अपनी वैल्यू कितनी दे रहा है वो मुझे बता दीजिए। एन की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, मैं मानता हूं कि ऐसे सवालों की प्रैक्टिस नहीं करनी है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, माइनस आने में कौन सी, मैंने तो कहा था ना माइनस माइनस वन अपॉन फोर, बिल्कुल सही आंसर, माइनस थ्री बाई फोर नहीं, माइनस वन अपॉन फोर। इतना टाइम लगा, एक एक मिनट में तो बता दिया आपने, तो इतना तो भी करना पड़ेगा, इतना बड़ा चैप्टर कर लिया, एक सवाल करने में कौन सी दिक्कत है। ये बात हम मानते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है इस तरीके के सवाल के आने की, लेकिन हम प्रैक्टिस एक सवाल का कर लेंगे तो कौन सा, बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यहां मान सकते हैं कि बड़ा सवाल है, थोड़ा टाइम ले लेगा, तो इस तरीके से नहीं आ सकता है। लेकिन हम कह रहे केवल उसने वाई ऑन एक्स पूछा, पूरा आंसर नहीं पूछ रहा, केवल वाई ऑन एक्स पूछ दिया, तो बी वाई एक्स की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना। बताया आपने बिल्कुल सही, माइनस वन बाई फोर। इसी तरह बी एक्स वाई की भी निकाल लेंगे, निगेटिव ही आ रही होगी। अच्छा, अभी मैंने देखो एक प्रॉपर्टी आपसे कही थी कि अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई एक का साइन निगेटिव है तो दूसरे का भी निगेटिव, मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तीनों के साइन सेम होते हैं, तो अगर आपका बी वाई एक्स निगेटिव आया है तो ये तो अंडरस्टूड है कि बी एक्स वाई को भी निगेटिव आना है, या फिर आप कहीं गलती करोगे, क्योंकि अभी मैंने एक प्रॉपर्टी में लिखा है हैव द सेम साइन, ये देखिए लिखा है बी वाई एक्स बी एक्स वाई और कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन कोरिलेशन हैव सेम साइन, ये सिमिलरिटी होती है तीनों के बीच में। तो अगर ये आपने अभी निकाला और ये निगेटिव आ रहा तो ये निश्चित हो गया कि आगे वाला भी निगेटिव आना। अच्छा चलिए, आपने निकाल लिया, अब आपने क्या किया कि बी वाई एक्स निकाल लिया, आपने एक्स बार निकाल लिया, आपने यहां वाई बार निकाल लिया, अब ला करके वाई बार की वैल्यू यहां, एक्स बार मीन की वैल्यू यहां, ये सारे रख देंगे तो एक्स वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स वाई में एक इक्वेशन आएगी ना, ये आपका रिग्रेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन की पहली इक्वेशन हो जाएगी। फिर जब आप बी एक्स वाई निकाल दोगे तो दूसरी वाली इक्वेशन आ जाएगी, बिल्कुल सही आंसर, माइनस वन बाई फोर आएगा, और अब बी एक्स वाई की वैल्यू आपने निकाल ली वो भी माइनस वन बाई फोर आए, तो क्यों ना इक्वेशन में रख दो, जब इतना काम कर चुके आप इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, फोर वाई ये कुछ गलत है, एक्स प्लस फोर वाई माइनस फिफ्टीन, एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू प्लस फिफ्टीन, ये आंसर आ रहा है। अच्छा माइनस इधर ले लिया, बिल्कुल सही, एक्स प्लस फोर वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही आंसर, एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू फिफ्टीन एक इक्वेशन निकल आई, तो दूसरी जो इक्वेशन आएगी इनके कोफिशिएंट केवल बदल जाएंगे। अभी x प्लस फोर वाई, जब माइनस वन बाई फोर दोनों का आ रहा है, x प्लस फोर वाई इक्वल टू फिफ्टीन, देखिए ये इक्वेशन आपकी आई,
तो दूसरी इक्वेशन कैसे आती है, ये फोर इधर होगा यानी फोर एक्स प्लस वाई ये दोनों इक्वेशन आनी चाहिए आपकी, आंसर्स आपके ये दोनों आने चाहिए। आ रही है तो देखिए इससे थोड़ा सा अच्छा लगा आपको कि एक सवाल आपने किया इस तरीके से। अगर आपको इक्वेशन निकालने को कह देता है लाइन ऑफ रिग्रेशन तो आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अपनी टेबल को हमें बनाना होता है, ये टेबल इसी के अकॉर्डिंग हमको बनाना होता है। अब तो ये सब क्लियर हो गया। ओके चलिए अब कुछ मिसलिनियस एक दो क्वेश्चंस और करते हैं इसके से रिलेटेड, मेन मीडियन मोड और पूरा स्टैटिस्टिक्स में कुछ सवाल और कर लेते हैं, बाकी अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट। जल्दी जल्दी जवाब को देने शॉर्टकट में नोट करिएगा। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स 75% कामा 80% एंड 85% मार्क्स इन थ्री सब्जेक्ट्स। एक विद्यार्थी अपने तीन विषयों में 75% 80% और 85% नंबर पाता है। इफ द मार्क्स ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट आर एडेड, अगर किसी दूसरे विषय के नंबर शामिल कर दिए जाएं, देन देयर एवरेज कैन नॉट बी लेस देन, तो उसका औसत इनमें से कम नहीं हो सकता। 60% पहला ऑप्शन, 65%, 70%, 80%। आप क्वेश्चन को समझ गए? एक विद्यार्थी अपने तीन सब्जेक्ट विषय में 70%, 80% और 85%। ये देखिए तीन सब्जेक्ट, मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, इसमें वो तीनों सब्जेक्ट में इतना परसेंटेज मिलता है उसको, 70% 80% और 85%। अगर चौथे सब्जेक्ट के नंबर इसमें और ऐड कर दिए जाएं, तो उसका परसेंटेज इनमें से कम नहीं हो सकता, मतलब 60% से कम नहीं हो सकता, 65% से कम नहीं हो सकता, या जो भी हमने ऑप्शन आपको बताए। आपके अनुसार क्या ऑप्शन सही है? एक विद्यार्थी को अपने तीन विषयों में इस प्रकार से नंबर मिले हैं, 70% 80% 85%, तीन सब्जेक्ट के नंबर हो गए। अगर चौथे सब्जेक्ट के नंबर इसमें ऐड कर दिए जाएं, तो उसका परसेंटेज इन चार में से इससे कम नहीं हो सकता जो ऑप्शन हमने दिए। चलिए देखिए, तो आसान सा क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए? साठ परसेंट से उसका एवरेज कम हो ही नहीं सकता। देखो ये यहां पर 70% परसेंट, देखिए 80% और 85%, ये तीन विषयों के सब्जेक्ट इसके नंबर आ गए। अगर इसका एवरेज ले लें तीनों को जोड़ करके डिवाइड बाय थ्री, तो हमारा जो भी परसेंटेज आ रहा, वो कह रहा चौथे सब्जेक्ट के नंबर इसमें और जोड़ दिए जाएं, हमें क्या मालूम चौथे सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। तो ये तो मान सकते हैं कि जीरो से
कम तो नहीं हो सकते। अगर चौथे सब्जेक्ट के नंबर उसके कुछ भी ना हो, जीरो, बात आप समझ रहे हो, चौथे के नंबर हमको पता कहां है। हम मान लेते हैं सबसे कम मतलब जीरो नंबर वो लाता है अपने चौथे सब्जेक्ट में। अब इसका एवरेज तो अब तो चार सब्जेक्ट हो गए, तो फोर से डिवाइड करोगे ना, अब आप इस पूरे को ऐड करके फोर से डिवाइड कर दीजिए, 60% से नीचे नहीं आएगा, नहीं बात आप समझ पाए। चौथे सब्जेक्ट के नंबर तो हमें पता ही नहीं है ना, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि उसने कुछ नहीं पाया चौथे सब्जेक्ट में। सपोज वो जीरो नंबर लाता है, जीरो नंबर लाने के बावजूद भी उसका परसेंटेज 60 से नीचे नहीं आ रहा है, समझ रहे ना बात को, इसका मतलब आपका आंसर हो गया 60% से नीचे नहीं आएगा। सत्तर अस्सी पचासी कितना हुआ, क्या 75 है, हाँ हाँ तो 75 कर लीजिए, 75 होगा, चलिए 75 पे, तो 60% से नीचे उसका नहीं आएगा, हाँ 75 बोला होगा, 75%। चलिए अब कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब एक काम